आज आपको मैं एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जिसको सुन के आपको भी क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी हैरानी होगी। मैं आज आपको किस्सा बताऊंगा कैसे हमारे ग्रेट ऑलराउंडर कपिल देव ने एक पूरी 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में जब कपिल देव को एक भी विकेट नहीं मिला था। दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल को पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आते हैं स्टोरी पे। किस्सा 1986 का है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में टूर करने आई थी। उस टीम के कप्तान अलेन बॉर्डर थे और भारतीय जो टीम थी, भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। जो भारतीय टीम थी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी वर्ल्ड, और इससे पहले ये वर्ल्ड कप जीत चुकी थी 1983 में, और इसी सीरीज से पहले 3 महीने पहले जस्ट यही जो टीम थी ये इंग्लैंड को इंग्लैंड में 2-0 से बहुत बुरी तरीके से हरा के आई थी। जरा आप नजर डालो भारतीय टीम क्या थी। इस टीम में ग्रेट सुनील गावस्कर थे और कृष्ण बचारी, श्रीकांत, महेंद्र अमरनाथ, अजारुद्दीन, मनिंदर सिंह थे यहाँ पे, रवि शास्त्री और शिवलाल यादव यहाँ पे हमारे ऑफ स्पिनर होते थे, और विकेट कीपर बहुत कंसिस्टेंट हमारे सैयद किरमानी होते थे। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ये हालांकि ये सारे के सारी जो टीम थी बहुत यंग लड़के थे सारे, बिल्कुल कोई ज्यादा इनको तजुर्बा नहीं था, किसी का ये पहला टूर था जब कोई तीन चार टेस्ट खेले हुए थे। इस टीम में अगर दो वर्ल्ड फेमस अगर प्लेयर थे, एक तो अलेन बॉर्डर थे, अलेन बॉर्डर भी कपिल देव के साथ 1978 में ऑस्ट्रेलियन टीम में आए थे, जहाँ इनकी टीम में बहुत तजुर्बेकार इनके कोच टीम मैनेजर होते थे बॉबी सिम्पसन। जरा आप ऑस्ट्रेलियन टीम पर नजर डालो, इस टीम में कौन थे, डेविड बून थे, जेफ मार्च, डीन जॉन्स, और यहाँ पे रे ब्राइट इनके एक पुराने ऑफ स्पिनर होते थे, ग्रेग मैथ्यू होते थे, स्टीव बॉग, और इनके पास दो इनके जो बॉलर थे अच्छे थे जो आगे जाके बहुत फेमस हुए, ब्रूस रीड और क्रेग मैकडरमट। दोस्तों, ये जो सीरीज थी ये 3 मैचों की सीरीज थी, यहाँ पे हमारे कपिल देव बहुत ही बेबस हो गए थे। 3 जो टेस्ट मैच खेले गए थे, यहाँ पे कपिल देव ने कोई टोटल मिला के 45 ओवर बॉलिंग की थी और इनको एक भी विकेट नहीं मिला था। बेशक इनको जो टेस्ट मैचों में इन्होंने जो पारी खेली थी, इन्होंने एक पारी जो खेली थी उसमें इन्होंने 119 रन बनाए थे, और एक उसी दूसरी पारी में इन्होंने 1 रन बनाया था। जिस टेस्ट में इन्होंने 119 रन बनाए थे ये वही टेस्ट था मद्रास चेन्नई, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टाई हो गया था। हालांकि इस टेस्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इंडिया जो था किसी भी टाइम दोनों पारियों में उनकी टीम को आउट नहीं कर पाया था। इसमें से एक वही पारी थी जहां पे डीन जॉन्स ने बहुत ज्यादा, जब उल्टियां वगैरह उनकी तबीयत खराब थी, फीवर था, उन्होंने एक डबल सेंचुरी बनाई थी, और यहां पे कपिल देव ने इसी पारी में एक 119 रन की पारी खेली थी जब हिंदुस्तान को जरूरत थी बहुत ज्यादा रनों की। हालांकि ये जो एक सीरीज थी इससे पहले जो कपिल देव था ये अपने आप में एक वर्ल्ड फेमस ऑलराउंडर अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। ये इंडियन टीम में या वर्ल्ड की किसी भी टीम में एज ए बॉलर या एज ए बैट्समैन टीम में खेल सकते थे। कुल मिला के ये जो सीरीज थी कपिल देव के लिए बहुत ही दुख भरी सीरीज थी। यहाँ पे ये बहुत ही बिल्कुल इनको कोई वहां के ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी थी। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के खेलने में बहुत माहिर होते हैं। यहाँ पे कुल मिला के हमारे ये जब भी ये सीरीज अगर याद करेंगे कपिल देव, हो सकता है कि जो टाई टेस्ट था उस करके वो खुश हो सकते हैं, पर ये एक ऐसी सीरीज थी जहां पे कपिल देव को बिल्कुल एक भी विकेट 3 टेस्टों में नहीं मिल पाया था। दोस्तों, मिलते हैं अगले बार एक और रोचक किस्से के साथ, तब तक अनिल रतन का नमस्कार।